नमस्ते मैडम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हरीश सर। आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर के एकदम सेंट्रलाइज प्लेस में, हिल टॉप शिमले हिल्स। शिमले हिल्स इट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एरिया एंड सराउंडेड बाय द सागवान ट्रीज एंड मेरी ट्रास प्लांट्स एंड वेरी ट्रांसपार्ट। यू कैन सी द हिल एट टॉप। यू आर गोइंग टू Hilltop, Seminary Hill, it is the Hilltops, Seminary Hill, Seminary Hill. अब देखेंगे, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एरियाज। Seminary Hills area is a very best area, part of the Nagpur is the forest area. तो हम हैं Seminary Hills के Hilltop पे, और आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन में क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए। चलिए आज आपको हिल घुमा देता हूँ, हिल ट्रैकिंग करेंगे और हिल ट्रैकिंग करने के बाद मैं आपको दिखेगा कि कितना अच्छा एरिया है ये हिल टॉप्स। हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, देखिए ट्रैकिंग, इस समय हिल में ट्रैकिंग का रास्ता, काफी स्लिप वाला रास्ता है ये। हम लोग स्लिप करते हुए हम लोग जा रहे हैं, देखिए आप रास्ता मिल गया। ये है सेमिनरी हिल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और इस फॉरेस्ट के हिल पर हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पे काफी स्लिप भी है, शूज स्लिप हो रहे हैं जी। ऐसा रास्ता जंगल पहाड़ों से गुजरते हैं। कुछ लोग ट्रैकिंग भी कर रहे हैं इस रास्ते से, ट्रैकिंग करते हैं लोग, महिला पुरुष भी आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। यहाँ के सीन्स यहाँ तो सनराइज भी नहीं दिख रहा है, सनराइज भी नहीं है। यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं हिल, पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी रास्ते से हम लोग ट्रैक करते हुए जाएंगे। चढ़ना भी बड़ा मुश्किल क्योंकि वॉकिंग स्टिक तो है नहीं, वॉकिंग स्टिक नहीं होने के बाद में भी हम लोग ये पथरीला जो एरिया है, देखिए ये पथरीला एरिया ही जो हिल जहाँ चढ़ने की भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम लोग चढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रैक करते हैं। देखिए ये इस तरीके का ये फॉरेस्ट एरिया, कितना सुंदर एरिया, घने पेड़ों से घिरा हुआ ये एरिया, अलग अलग सागवान के पेड़, अलग अलग बम्बू के पेड़, ये देखिए अलग अलग पेड़ों से ये भरा हुआ ये एरिया। देखिए ये सागवान के पेड़, सागवान के पेड़ से भरा हुआ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इस फॉरेस्ट में हार्ट ऑफ द सिटी होने की वजह से यहाँ पे कोई प्रकार के कोई यहाँ पे एनिमल्स नहीं है, सिर्फ पशु पक्षी तो मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, जैसे पैरोट्स हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ पक्षियाँ मिलेंगे ये देखने के लिए। तो गाइस अगर हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा ये नज़र आ रहा है। अब हमें सनराइज दिख रहा है, अभी सनराइज हमें दिख रहा है, अभी तक तो सनराइज भी नहीं दिख रहा था। अभी मैं आपको ये फॉरेस्टेड जंगल दिखा रहा हूँ, देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये एरिया, बड़े बड़े बम्बू के पेड़, बड़े बड़े सागवन के ट्रीज यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे लोग वॉकिंग करने के लिए भी आते हैं, और हम भी वॉकिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ नागपुर शहर का हमारा सेमिनरी हिल्स, देखिए इस तरीके से शहर के बीच बीच बसा हुआ ये सिग्नल हिल्स, इनके लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया बना हुआ है, जो भी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा एरिया, यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए लोग आते आते हैं, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से होती है, और इतना सुंदर एरिया अभी ये सिटी के अंदर हमको मिलता ही नहीं है, लेकिन नागपुर शहर के अंदर में ये एक बहुत अच्छा एरिया आप तो देखते होंगे, तो ये आपको पता चलूंगा कि ये तो जंगल में है, लेकिन बिल्कुल पीछे पीछे नागपुर सिटी के बिल्कुल पीछे दूर दूर तक हमें सिटी नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमें ये सेपरेट हमें जंगल ही जंगल नजर चलते हैं और दूसरा साइड की ओर, और देखते हैं अब दूसरा एक नज़ारा। देखिएगा जी यहाँ पे आपको देखेगी यहाँ पे छोटी सी ट्रेन, टॉय ट्रेन जिसको कहते हैं, जो सी ट्रेन के लिए होती है, ये टॉय ट्रेन का भी ये पटरी यहाँ पे रेलवे लाइन ये बनी हुई है, ये पूरा ये हिल्स को कवर करती है ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर सके। ये टॉय ट्रेन के लिए ये जगह है, टॉय ट्रेन देखिए एक टॉय ट्रेन के लिए कैसे जंगल से ये आता है, और टॉय ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं, काफ़ी एंजॉय बच्चों के लिए काफ़ी एंजॉय होता है, और बच्चे बड़े खुशी से बड़े संडे के दिन आते ही यहाँ पे, और संडे के दिन जो ट्रेन की तरफ हम लोग जाएंगे उस रेलवे स्टेशन की तरफ में, छोटा सा एक रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है। अभी तक तो सनराइज में नहीं दिख रहा था इतना घना जंगल था, बस पक्षियों की आवाज भी हमें नजर आ रही है, आपको भी नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि नागपुर सिटी के मध्य भाग में ये बसा हुआ ये फॉरेस्ट, लगता नहीं है कि इतना बड़ा फॉरेस्ट होगा। चलते चलते हम लोग पहुंच जाएंगे हिल टॉप एरिया है, तो चलिए चलते आते हुए
अशोक सागवन के पेड़, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे बम्बू के पेड़ और सागवन के पेड़ से तो ये भरा पड़ा है। ये ट्रेन की, टॉय ट्रेन की ये रेलवे लाइन, ये पूरे फॉरेस्ट को कवर करती हुई ये बच्चों को टॉय ट्रेन घुमाती रहती है ये। और बहुत सुंदर एरिया जिसमें हम अगर डेली आए तो हमें प्योर ऑक्सीजन मिलेगा और हमारी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोग तो आते ही रहते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये शायद आपको भी पसंद आ जाए तो आप भी एक बार आप आ जाएंगे ये यहाँ पे हिल टॉप के चमनेरी हिल्स, ये जो हिल है ये हिल के दर्शन करने के लिए एक बार तो बिल्कुल आप भी अवश्य आइएगा और एंजॉय करिए। संडे पिकनिक, वन डे पिकनिक तो बहुत अच्छे से यहाँ पे होगी और संडे पिकनिक के साथ साथ यहाँ पे आपका एंजॉय भी काफ़ी कुछ होगा। ये फूल पौधे या अलग 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 तरीके के देखिए, मैं तो इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता क्या क्या फूल पौधे हैं, अलग अलग पौधे आपको फूल पौधे जैसे नज़र आएंगे, छोटे 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 फूल नज़र आ जाएंगे आपको। नागपुर सिटी के एकदम मध्य भाग में बसा हुआ, सुबह 6 बजे से लेकर तो 9 बजे तक किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं रहती, उसके बाद में टिकट होती है। इसको एक प्रकार से जापानी गार्डन भी बोला जाता है। तो चलते हैं हम इस हमने हिल्स के दूसरे पार्ट की ओर, दूसरे हिल की ओर जाते हैं। टॉय ट्रेन का एक छोटा सा गेट एक नजर आएगा आपको, छोटा सा गेट, और यहाँ पे एक बोर्ड भी नजर आएगा देखिए, महाराष्ट्र शासन नागपुर वन विभाग, नागपुर वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके स्वागत करता है। चलो चलते हैं और वहां पे देखते हैं आगे में और क्या है। सड़क नजर आएगी, सड़क से हम लोग जा रहे हैं, रास्ता बंद दिख रहा है हमें यहाँ पर क्योंकि गेट है तो नेचुरली बंद दिख रहा है।
तो गाइस आपने देखा है सेमिनेर हिल्स, हिल टॉप देखा है आपने, सेमिनेर हिल्स का हिल देखी है। आपका ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए ट्विटी से वर्ड से वर्ड, और बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।